हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि से पहले पुरोहित यजमान की दाई कलाई में कलावा बांधते हैं। कलावे को मौली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर आपको लगता है कि ऐसा करने के पीछे सिर्फ धार्मिक कारण है तो ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक कारणों से भी मौली बांधी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलावा या मौली बांधने की शुरुआत माता लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन में आने वाले संकट में रक्षा होती है। कलावा बांधते समय एक मंत्र बोला जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवियों की अनुकूलता का भी लाभ मिलता है। विज्ञान के अनुसार शरीर के ज्यादातर अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर मौली या कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे बात पित्त और कफ की अनुकूलता बनी रहती है। माना जाता है कि कलावा बांधने से ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज और पैरालिसिस जैसे रोगों से काफी बचाव होता है। मौली को विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में और पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में बांधने का विधान है। वही खाता, चाबी के छल्ले और तिजोरी जैसी जगहों पर पवित्र मौली बांधने से लाभ होता है। मान्यता है कि मौली में देवी या देवता अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। मौली का धागा कच्चे सूत्रों से तैयार होता है और यह रंग जैसा पीला, सफेद, लाल या फिर नारंगी रंग का होता है। इसे कलाई पर बांधने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। कलाई में कलावा बांधने के काफी फायदे हैं, तो आगे से आप भी पूजा में हाथ पर जरूर कलावा बंधवाइएगा।